खुजनेर नगर के पचोर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर ट्राली वाहन से चोरी हुआ 35 लीटर डीजल मामला बीती रात का है, जब एक किसान अपने सोयाबीन से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली रात को पेट्रोल पंप पर खड़ा करके अपने घर गया। सुबह वापस आने पर उसने देखा कि उसके ट्रैक्टर से किसी ने डीजल चुराया है। ट्रैक्टर से सोयाबीन की किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई, सिर्फ डीजल की ही चोरी हुई। करीब 35 लीटर डीजल चोरी होना बताया जा रहा है। किसान ने पुलिस कंप्लेंट करवाई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं पेट्रोल पंप के मुनीम का कहना है कि किसान ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करने के बाद हमसे कहकर नहीं गया था, और वैसे भी यहां पर पेट्रोल पंप कैंपस के अंदर कई वाहन खड़े रहते हैं, जो वाहन मालिक अपनी मर्जी से खड़ा करके चले जाते हैं और हमें बताकर नहीं जाते। हमारे दो कर्मचारी नाइट ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन वह भी रात में जब कोई वाहन आता है तो डीजल पेट्रोल देने जाते हैं और वापस आकर अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। जहां किसान का ट्रैक्टर खड़ा था, वहां उसके आगे आकर एक पिकअप वाहन भी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहां से ट्रैक्टर को देख पाना भी मुश्किल था। टीम भारती न्यूज। 8-9 बजे रात को खड़ा करके गए थे ट्रैक्टर खाना खाने के लिए, और इसने माल भरा हुआ है ट्रैक्टर में, और डीजल आके देखा इन्होंने अभी सुबह, तो बिल्कुल साफ है, टैंक आधा टैंक भरा था इसमें डीजल। अच्छा, इसमें से गल्ला चोरी नहीं हुआ, डीजल ही चोरी हुआ। डीजल ही निकाल के ले गए। आपका क्या नाम है सर? कमल नागर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चिल्डावनिया। तो ये ट्रैक्टर आप यहाँ पर जो है किसी चौकीदार वगैरह से कहकर गए थे, क्या बोलकर गए थे कि ये ट्रैक्टर हमारा खड़ा हुआ है यहाँ इस तरीके से? नहीं, हर बार खड़ा करके जाते हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ था, तो इस बार बोल के नहीं गए थे, खड़ा करके। सारे वाहन खड़े हैं सर, ये नहीं कि आप हमेशा यहाँ पर ये अपने वाहन को खड़ा करके जाते हैं। इससे पहले कभी कोई आपके यहाँ इस तरीके की कोई वारदात वगैरह हुई क्या? इससे पहले नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ना कि आप संबंधित थाने पे गए या खुजनेर थाने पे? क्या ना। अच्छा, क्या हुआ फिर वहाँ पर? आए ना सर, रिपोर्ट लिखी उन्होंने। अच्छा, कितने लीटर आपका निकला है? 35 लीटर। अच्छा, ये कौन सा वाहन है जिसमें आपका डीजल चोरी हुआ बता रहे हैं आप? ट्रैक्टर है हमारा। अच्छा जी सर, आप थाने से आए सर? जी सर। जी सर, क्या मामला है सर, बताएं थोड़ा सा। सर, ये थाने पर आया, मैंने आवेदन दिया वहाँ, एक हमारे रात को डीजल निकल लिया है। हाँ, देखने के लिए आया। अच्छा, देख रहा हूँ, फुटेज वो निकालेंगे, उसके कैमरा में से देख कर बताएंगे। जी सर, गया था नहीं, कब गए थे? ये 9:30-9:10 बजे। आपका क्या नाम है? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटियाड़ी। आपका वाहन कौन सा है? आई सर, ट्रैक्टर। अच्छा, तो यहाँ आप जो है ट्रैक्टर वाहन खड़े करके हमेशा जाते हैं कि आज पहली मर्तबा गए? जाओ ना। अच्छा, इसमें आपने देखा था कि डीजल छोड़ के गए आप इसमें? डीजल पचोर से लियो, यहाँ से लियो, 2-3 बजे तो यहाँ से ले लियो, पचोर से लेके आया था डीजल। नहीं तो आप ये बताएं कि जो डीजल आप छोड़ के गए थे, तो उसमें टैंक में कितना डीजल था, एक अंदाजा? अंदाजन में कही है कि अब पचोर से 1000 को तो पचोर से लियो, तो अब 35 के आसपास होगा वो, मैं टैंक फुल तो मतलब 43 लीटर आओ मैं पर। नहीं नहीं, कितना लीटर डीजल आपका निकला कुछ बता सकते हैं? 35 लीटर डीजल। ठीक सर, पहली बात तो ये है कि जो किसान यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा करके गए थे, वो ट्रैक्टर में कितना डीजल था ये भी जानकारी हमें नहीं है, और उसमें क्या माल था वो भी हमें जानकारी नहीं। और दूसरी बात ये कि किसान ने हमें बताया भी नहीं कि मेरा ट्रैक्टर यहाँ पे पंपे में खड़ा करके जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा निगरानी रखना है सर। नाइट में 2 बंदे ड्यूटी करते हैं सर, और वो यहाँ साइड में यही बैठे रहते हैं ऑफिस के बाहर ही, जैसे कोई कस्टमर आता है बाहर डीजल पेट्रोल के लिए, तो उनको डीजल पेट्रोल देने के बाद वापस अंदर जाके बैठ जाते हैं। बाकी अब ये कह रहे हैं किसान की ट्रैक्टर में से डीजल चोरी हुआ है, तो सर उसकी जानकारी हमें। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।